वो हम लोग पैसे के लिए ला रहे थे जीवा को कोर्ट में, पहुंचे ही थे कि अचानक गोली चलने लगी। के लिए ला रहे थे जीवा को कोर्ट में, और कोर्ट के पास पहुंचे ही थे कि अचानक गोली चलने लगी। कौन थे किस केस में थे? अब वो कौन थे ये तो हम नहीं जानते कौन थे, लेकिन वो वकील के ड्रेस में थे। कैसे गोली मारी गई? कोर्ट के परिसर के अंदर थे कि नहीं? बिल्कुल कोर्ट के गेट के पास ही थे। वकील के ड्रेस में आपको गोली लगी है? हाँ, हम अब वो गोली मारा है चूँकि हम आगे थे, तो एक गोली हमको भी हमारे पैर में लगी है। अच्छा, अभी क्या है यहाँ पे? आप भर्ती हैं, डॉक्टरों क्या बोला? अभी इलाज चल रहा है, अभी रिपोर्ट कोई आई नहीं है। पीसी पे आए थे, पीसी पे कोर्ट के अंदर जो है ले जा रहे थे। अच्छा, अचानक हुआ, अचानक अचानक क्या हुआ, कैसे घटना? हम कोई समझ नहीं पाया, कोई जितने लोग थे कोई नहीं समझ पाया। अचानक जो है वकील की ड्रेस में थे, गेट पे ही जैसे कोर्ट में घुस रहे थे उससे चलने लगी, चलाने लगा वो। कोर्ट में किस जगह? मेन गेट, मेन दरवाजे पर। मेन दरवाजे पर कैसा कैसे किस बेस में आए थे? अधिवक्ता के बेस में आए थे। कैसे मारे थे गोली? आप उस समय पकड़ लिए, उसी में पकड़ लिया हम। अच्छा। मिलकर पकड़ लिए। बच्चा स्टेबल है, उसका एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह सब हो गया है। बच्चे का वाइटल पैरामीटर्स सब ठीक हैं। एक छाती में जो एक बुलेट है जो हम उसको अच्छे टाइम पे निकाल देंगे, बट एक थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन था छाती में और थोड़ा सा न्यूमोथोरैक्स था, उसके लिए एक चेस्ट ट्यूब डाल दी गई है। एंड बच्चे का लंग अच्छे से एक्सपैंड कर गया है, बच्चा स्टेबल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, हीमोडायनामिक पैरामीटर नॉर्मल है, तो कोई इससे अभी कोई फिक्र करने की बात नहीं। जो दूसरे का आरोपी भी जो आया है उसको भी गंभीर चोटें लगी हैं, उसकी क्या है? नहीं, उसकी भी ऐसी कोई सारा इमेजिंग हो गई है, ऐसी कोई मेजर कोई नहीं कर रहे। हाँ हाँ, अभी एज ऑफ नाउ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अभी जो आरोपी उसकी तबीयत स्थिर है उसको? वो भी स्थिर है। तो क्या बच्ची को डिस्चार्ज करेंगे या नहीं? नहीं, अभी अभी नहीं, अभी तो अंडर ऑब्जर्वेशन है। माँ को भी चोट आई? हाँ, माँ को तो हमने देखा नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं आई। माँ है बेटा। अच्छा, सिपाहियों की सर स्थिति कैसी है? हाँ, इसलिए एक सिपाही को भी गोली लगी है, सिपाहियों की स्थिति बता। अच्छा, वो उनका हमें उनको दो पेशेंट हैं यहाँ। हाँ, उनको हमने देख लिया है, तो उसमें बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं। के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कि इन चीज़ों को देखेगी कि जो व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सभी कोर्ट की सुरक्षाओं के संबंध में दिए गए हैं उसमें क्या लापरवाही हुई है, तथा जो
मैन पावर या जो उपकरण लगे थे उसमें क्या कमी थी, जो स्थानीय स्तर पे जो SOP बनी थी कि किस तरह से यहाँ कोर्ट परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग की जाएगी, उसमें कितना अनुपालन हुआ क्या नहीं हुआ, इस संबंध में विस्तृत आख्या कमेटी के द्वारा शासन में प्रेषित किया जाएगा।